बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे कोरोना के अलर्ट की। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 13,313 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले यह आंकड़ा 8.7% ज्यादा है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोविड की वजह से 38 लोगों की जान चली गई। फिलहाल भारत में कोविड के 83,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। जिन 5 राज्यों में कोविड की स्थिति चिंताजनक है, उसमें केरल सबसे पहले है। केरल में 4,224, महाराष्ट्र में 3,260, दिल्ली में 928, तमिलनाडु में 771 और उत्तर प्रदेश में 678 नए केसेस सामने आए हैं। कुल नए केसेस में 74.07% है और 5 राज्यों से आए हैं ये केसेस। दरअसल आपको बता दें कि कुल नए केसेस में सिर्फ केरल की हिस्सेदारी 31.73% है। देश में अब तक कोविड की वजह से 5,00,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। देश में कोविड से ठीक होने वाली दर 98.6% है। बीते 24 घंटे में 10,972 मरीज ठीक भी हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कोविड वैक्सीन की बात अगर की जाए तो कल 14,00,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। देश में अब तक कोविड के 196 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस समय देश में ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट संक्रमण बढ़ा रहे हैं। इनमें BA2, BA.2 और 38 साथ ही साथ BA.4 और BA.5 है। ये चारों सब वेरिएंट कोरोना के बाकी वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक हैं। हालांकि राहत की बात तो ये है कि इनमें गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ज्यादातर संक्रमित 2 से 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली संस्था इंसेकोगा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 60% मामलों में BA.2, 33% मामलों में BA.2.38 और 10% से भी कम मामलों में BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट मिला है। कई एक्सपर्ट्स कोरोना की इस नई लहर को हल्की लहर मान रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इस लहर में जो संक्रमित हो रहे हैं उनमें हल्के लक्षण हैं और वो 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं। ज्यादातर मरीजों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत उनको नहीं पड़ रही है। साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भले ही कोरोना की नई लहर में गंभीर बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। मास्क पहनकर रखना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद अलर्ट हो गया है और विशेषज्ञों से मंथन किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कोरोना की रफ्तार आखिर क्यों बढ़ रही है? क्या कोरोना के फैलने की वजह महज लापरवाही है? कोरोना के पहले और बाद में किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? विशेषज्ञों से पड़ताल करेंगे। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर कोरोना पर अभी अलर्ट कितना जरूरी है, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं, ये आज हम तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है DMC के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल जुड़ गए हैं जो कि MBBS MT है। बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष आपका भी। इस खास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो डॉक्टर नरेश के साथ करते हैं। डॉक्टर नरेश, जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये कहा जाए कि चौथी लहर है कोरोना की? ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं क्या? जायज है, लेकिन मैं कुछ जमीनी सच्चाइयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। क्योंकि कोरोना का नाम आते ही लोग डर जाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। जो सेकंड लहर थी, जो कि पहली लहर भी थी, सेकंड लहर तो बहुत ही ज्यादा घातक थी। इतना तबाही हुई है कि वो सोचते ही हम सबको बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं जो भी बोलूंगा वह इस हिसाब से बोलूंगा कि लोग डरे नहीं, पैनिक ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ मिनिमम प्रिकॉशंस जरूर ऑब्जर्व करें। सेकेंड लहर के मुकाबले
थर्ड लहर बिल्कुल भी कमजोर थी जो कि दिसंबर 21 और जनवरी 22 तक चली थी। फोर्थ लहर जिसको हम आजकल की लहर को कह सकते हैं, लेकिन अभी इतने केसेस नहीं हैं इसलिए इसको चौथी लहर कहना बिल्कुल गलत है। स्ट्रे केसेस कल परसों शायद 12,600 थे, आज शायद 13,000 के आसपास हैं, विच आर सिग्निफिकेंट इन नंबर। ये तो तब हाल है जबकि हम खुलेआम कह रहे हैं कि टेस्टिंग काफी कम हो रही है। तो मेरे विचार में जो क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में हम जो केसेस देख रहे हैं वो काफी माइल्ड है। माइल्ड मीन्स कि पेशेंट आएगा, इसको एक दो बुखार होगा, उसको जुकाम खांसी हो सकता है, उसको सांस फूलना वगैरह शिकायतें नहीं होती, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता की बात ये है कि ये छोटी चिंता कब बड़ी चिंता बन जाएगी ये हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम हमेशा अपने आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना पसंद करेंगे कि आप सिर्फ अपनी कोरोना प्रोटोकॉल ऑब्जर्व कीजिएगा, मिनिमम प्रिकॉशंस। घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, घर से बाहर निकलो तो जबरदस्ती की भीड़ भाड़ में मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और अपना हैंड सैनिटाइजेशन का ठीक ठीक इस्तेमाल करो। कोई बहुत पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। अलोंग विद दिस जो मैं दूसरी चीज समझता हूँ, वैक्सीनेशन जो कि लोग थोड़ा सा ढीला आ गया, कहाँ एक दिन में हमने एक करोड़ 20 लाख वैक्सीन लगाए थे, अब हम सिर्फ 13 लाख लगा रहे हैं। हम नो डाउट ऑलमोस्ट 1.96 अरब टीके लगा चुके हैं और बहुत ज्यादा बचाव हो चुका है, लेकिन पिछली वैक्सीन का असर खत्म हो जाता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है जो लोग 2 टीके लगा चुके हैं वो अपना बूस्टर डोज अवश्य लगाएं। एक जो मैं अक्सर देख रहा हूँ, देखा एक बड़ा कैजुअल सी अप्रोच हो गई है, हो तो गया बहुत कब तक चलेगा, तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप अननेसेसरी पैनिकी में मत होइए, डरिएगा भी नहीं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिएगा और प्रोवैक्सीन लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप मास्क से ना केवल कोरोना से बचते हैं, आप पोल्यूशन से बचते हैं, दूसरी रेस्पिरेटरी बीमारियों से बचते हैं, तो इस कोरोना की जो जीवन शैली है इसको अपना लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से हम एक इंडिविजुअल भी बचेंगे, हमारा पूरा परिवार भी बचेगा, हमारा पूरा समाज भी बचेगा, हमारा पूरा देश। ठीक है डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना के वेरिएंट है ये 2 से 3 दिन तो रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बुखार रहता है, सर्दी जुकाम रहती है और उसके बाद धीरे से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वीकनेस भी जो मरीज है उसके शरीर में देखी जाती है, या फिर इस तरह के जो मामले हैं वो ज्यादा सामने आए हैं कि जो मरीज है वो वीकनेस का शिकार हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। अब सवाल ये है कि ये कमजोरी क्या आने वाले वक्त में और ज्यादा दिक्कतों को बढ़ा सकती है, इसके लिए क्या करना चाहिए, पोस्ट कोविड किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? समझना पड़ेगा सिम्टोमेटोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो वेरिएंट जो BP.2 ओमिक्रॉन का वेरिएंट है जो कि बहुत हाईली इंफेक्शियस वेरिएंट है, इसमें इस बार एक जो नई चीज देखने को मिल रही है कि लोगों को डायरिया बहुत कॉमन हो रहा है, जो GI सिम्टम्स है, नौशिया आना, वॉमिटिंग आना, एब्डोमिनल पेन होना, तो ये सब सिम्टम्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अगर एसिडिक आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने को सेल्फ आइसोलेट करें, क्योंकि ये कोविड के सिम्टम्स आज तक स्पेसिफिक बहुत आ रहे हैं। जहां तक बात है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसको लॉन्ग हॉलर्स या पोस्ट कोविड हॉलर्स से लोग बोलते हैं, वो सेकेंड वेव में भी ज्यादा था, अभी भी ज्यादा है और ये भी रहने वाला है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ग्रेजुअल एक्सरसाइज जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको प्रॉपर हम लोग फॉलो करें। अब इसमें क्या करना है कि जैसे किसी को पोस्ट कोविड हुआ है तो अपना ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज चालू करें, अपना वॉकिंग करना चालू करें, जो ऐसी चीजें हैं उसको ग्रेजुअली करें, योगा करें। डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अपने जो डाइट उसको लाइट रखें, फुल ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स ऐसी चीज रखें जिससे पेट ज्यादा खराब ना हो। बहुत ज्यादा बाहर का खाना, बहुत ज्यादा एसिडिटी वाला या तेल वाला जो खाना है उसको थोड़ा अवॉइड करें। तो अगर हम थोड़ी सी सुविधाएं करते हैं, थोड़ा सा भी हम लोग अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो जो लॉन्ग हॉलर्स है इसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है और इसकी सीवियरिटी भी कम की जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये वेरिएंट है इसका जो ग्रोथ रेट है ये 6% हो गया, मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये 6 टाइम्स ज्यादा जल्दी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये अभी तो मोस्टली 5 शहरों में है, मगर बहुत जल्दी हम इन केसेस को छोटे शहरों में या जो क्लास की सिटीज है उनमें भी देखना चालू कर देंगे। और जैसा सर ने भी बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन इज द क्योर फॉर COVID-19। हम सबको पता है और जिनको अपना बूस्टर नहीं लगा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, अपना बहुत ध्यान रखें, बूस्टर नहीं लग रहा है तो बूस्टर लगाएं, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं जो डायबिटीज, कैंसर, थेरेपी
या जो लोग बहुत ज्यादा डायबिटीज फ्लक्चुएट बहुत करते हैं, ऐसे में ही संक्रमण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है. नॉर्मल पीपल में इसके बहुत ज्यादा नहीं है, यानी जो लोग इम्यूनो कॉम्प्लिकेट वो अपना बूस्टर जरूर लगा रहे हैं. एक सवाल ये भी है डॉक्टर आशीष, क्योंकि अगर जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं क्या वो भी 3 महीने का इंतजार करें कि 3 महीने बाद अपना बूस्टर डोज लगवाएं, या फिर वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? ये बहुत जरूरी है इस वक्त. वैक्सीन की तरह काम करता है और ऐसे बंदों को अपना 3 महीने तक स्किप करना चाहिए बूस्टर डोज, क्योंकि एक तो जबकि वो इम्यूनिटी रह सकती है, इससे बेटर है कि वो अपना बूस्टर स्किप करें और 3 महीने के बाद में. इसमें बड़ी स्टडी भी आई थी, अगर आपको इन्फेक्शन हाल में हो रहा है, अगर आप खा लेते हैं क्रॉस रिएक्शन हो सकता है, तो उसमें वैक्सीन की कम हो सकती है कि अवॉइड करें अगर ये डॉक्यूमेंट COVID-19 इन्फेक्शन. जी डॉक्टर नरेश, मैं आपका रुख करती हूँ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बच्चे भी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, और बच्चे अगर संक्रमित हो रहे हैं तो इसकी तादाद कितनी है, इसकी कितनी फीसदी है जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है लहरों में कि बच्चे कम संक्रमित होते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, लिहाजा वो कोरोना जो है वो कम संक्रमित कर पाता है बच्चों को, लेकिन इस बार किस तरह की स्थिति है डॉक्टर नरेश? नेहा देखिए, मैं आपको दोबारा बता दूं, अभी बहुत ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है. बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी हम केसेस देख रहे हैं, उसमें ना केवल यूआई यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, जीआई यानी कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ रहे हैं. पेशेंट को वो लगे सिंपल बुखार होगा और सिंपल उसको मोशंस लग गई होंगी या वॉमिटिंग लग जाएंगे या पेट में क्रैम्स आएंगे, लेकिन बच्चों में जो हमने केस देखे हैं वो भी बकायदा माइल्ड ही हैं. उसमें मैंने अभी तक अपने क्लिनिक्स वगैरह में डेली हम इतने पेशेंट देखते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स नहीं देखे जिनको हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़े. दो चीजें होती हैं, एक होती है नंबर ऑफ केसेस, एक होती है नंबर ऑफ ऐसे केसेस जिनको इंटेंसिव केयर की जरूरत है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है. तो हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी बहुत कम है. जो हमारा सिस्टम प्रॉब्लम एरिया है वो जो आप मौतों की बात की जाती है, वो ज्यादातर मौतें उन लोगों की हो रही हैं जिनको की कोमोर्बिड कंडीशन है, जो किसी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के, कोई लिवर फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं. इन पेशेंट्स को या कोई HIV का पेशेंट है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट जिसको कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, वो ऐसी दवाइयां चल रही हैं, तो ये पेशेंट्स हैं, इनको हम रिस्क ग्रुप कहते हैं. इन पेशेंट्स को हमें बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है. लेकिन चूंकि ये पेशेंट्स भी एक परिवार का हिस्सा होते हैं, तो प्रैक्टिकली अगर कोई दूसरा जन परिवार का इंफेक्शन लेके आएगा तो रिस्क क्राइटेरिया पेशेंट है, उसको ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन भी होगा और उसको मौत का यानी कि मरने का भय भी रहेगा. तो ले देके बच्चों का डर, बच्चों की प्रिकॉशन, यस हाइजीन का ख्याल रखना, मास्क का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी है. प्लस अगर कुछ छूटपुट इन्फेक्शन भी होता है तो आप फटाफट टेस्ट करवाइए, अपने फिजिशियन के टच में रहिएगा और ट्रीटमेंट लीजिएगा. बिल्कुल भी एबल बॉडीड लोगों को यानी कि जो अदरवाइज स्वस्थ लोग हैं उनको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं या जो 60-65 ईयर्स प्लस वाले पेशेंट्स हैं उनका हमें एहतियात ज्यादा. ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर नरेश कर रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए लापरवाही मत बरतिए और आपको एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, सावधानी बरतनी जरूरी है. लेकिन डॉक्टर आशीष, क्या इसके लिए महज जो लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, इसके लिए महज एक लापरवाही ही कारण है या फिर वजह कुछ और भी है? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? जब हम लोग ना कोविड फटीक सिंड्रोम जैसा हो रहा है कि अब इतने सालों से लोग बाहर नहीं गए हैं, स्कूल बंद थे, लोग बाहर चले, लोग जा रहे हैं तो थोड़ा एक फटीक लोगों में भी, लोग भी परेशान हो गए कि अब कब तक हम नहीं ट्रेवल करेंगे हम, पर कब तक नहीं करेंगे. पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आप अपने जो आपके जो मेजर्स हैं, जो आपकी सोशल वैक्सीन जिसको हम लोग बोलते हैं कि मास्क का यूज, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, कफ कल्चर, इसको हम लोग भूल जाए. हम लोग इनको करने के साथ साथ भी हम लोग अपना लाइफ नियर नॉर्मल जी सकते हैं. देखिए मैंने पहले भी बोला है, जो हमने जो ये हमारे जो एक्टिविटीज जैसे मास्क है या ये सब हमारा नया फैशन है और एक नया सोशल एटीट्यूड है, इसको हम लोगों को अपने अंदर इनकल्टेट करना पड़ेगा, तभी जाके, बिकॉज देखिए वायरस कहीं जाने वाला नहीं ना,
ये वायरस हमारे साथ ही रहने वाला है। जब भी कोई हाईली इन्फेक्शन स्ट्रेन आएगी, जैसे ये ओमिक जो अपने जो वायरस अभी जो B4B9 जो स्ट्रेन चल रही है, ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस स्ट्रेन है। ऑल्दो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत नहीं कर रही है, मगर ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, तो इससे इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और कम्युनिकेबिलिटी ज्यादा है, मतलब जल्दी लोगों को इन्वॉल्व करेगा और जल्दी लोगों को अपना जो करेगा। पर बिकॉज वैक्सीनेशन बहुत हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक हम लोग देख नहीं रहे हैं। इनफेक्ट सारे ही पेशेंट ओपीडी में ही ठीक हो जा रहे हैं और एडमिशन की तो जरूरत पड़ी नहीं रही है, तो बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं ना। पर हाँ, जो हम लोगों ने लापरवाही स्टार्ट की हुई है कि अब आप देखिए ना, हॉल्स पूरे खुल गए हैं, लोग मास्क ही पहन रहे हैं, या जैसे क्लोज एसी एयर कंडीशनर स्पेस है जहाँ पे कोविड बहुत जल्दी फैलता है, तो वो सब स्पेसों में थोड़ी सी और सावधानी रखने की जरूरत है। आप गैदरिंग करिए, मगर ऐसी गैदरिंग लिमिटेड गैदरिंग करिए, जैसे शादी का ही कुछ माहौल है, तो इस तरीके से ऐसा फंक्शन को अपना वो करें कि ताकि थोड़ी आपकी सावधानी भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। अब हमको एक नियर नॉर्मल लाइफ तो नहीं मिलेगी, मगर हम कुछ इस तरीके से आप लोग को सेट करना पड़ेगा कि हम लोग अच्छे तरीके से जी भी सके और इसको अपना फायदा भी कर सके। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना ये सारा का सारा काम समझें और इसको प्रॉपर करें। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में डॉक्टर नरेश, क्योंकि हमने देखा कि अभी तो फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन हमने पहली और दूसरी लहर में घातक स्थिति देखी थी। सर, अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स में इंतजाम होने चाहिए, और क्या आपको लगता है किस तरह के इंतजाम अभी होने की ज़रूरत है? जो कमियाँ खामियाँ पहले रह गई थी वो अब ना हो, भले ही अभी ज़रूरत ना पड़ी हो, फिर भी इंतज़ाम तो पुख्ता होने चाहिए। सर, क्या लगता है कि किस तरह के इंतजाम अभी होने चाहिए जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो बेहतर तरीके से लोगों को इलाज मुहैया हो पाए? देखा, जहाँ तक दूसरी लहर के बाद जो बहुत ज्यादा हुई थी, तो प्रैक्टिकली मेजर सिटीज में, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ऑल मेजर सिटीज एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। उसके लिए सेपरेट वार्ड्स बनाना, वो काम अभी नहीं हुआ है क्योंकि उसकी अभी जरूरत नजर नहीं आ रही। बट मेरे विचार में ऑल हैव ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस जो कि बहुत जल्दी शुरू किया जा सकता है। मोस्टली जैसे दिल्ली की बात करूं तो मोस्टली हॉस्पिटल ने अपने ऑक्सीजन प्लांट खुद लगा लिए हैं, और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम है, आईसीयू को बेटर होना, बेड्स होना, सेपरेट वार्ड्स, आई थिंक इसका खांचा सबका बना हुआ है। लेकिन आज की स्थिति है 95% बेड्स खाली पड़े हैं, तो दैट मीन्स कि अभी हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बट इस सिचुएशन को डायनेमिकली मॉनिटर किया जाए और अगर कुछ बिगड़ने का नंबर आए तो फटाफट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे इंतजाम होने चाहिए क्योंकि वैसा हाल ना हो। मुझे याद है दूसरी लहर में प्रैक्टिकली हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में, हर छोटे कस्बे में कमी नजर आती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा होगा। दो वजहों से, नंबर वन, अभी हॉस्पिटल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ रही है, और नंबर टू, जो हम अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हैं, वो जो ICMR की हमें इनपुट्स मिल रही हैं, वो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स लगातार ऑब्जर्व करते हैं, इट इज नॉट दैट सीवियर एट ऑल। सो एक तरफ नहीं, ये इतना सीरियस अभी क्यों नहीं है सर, क्या वजह इसके पीछे है? हाँ, वैक्सीनेट हो चुकी है ज्यादातर आवाम, इस वजह से बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, या फिर कोरोना हल्का हो गया इस वजह से? नेहा, मैं आपको, आपके दर्शकों को बता दूं, इसमें कोई शक नहीं, आज 2.5 साल होने वाले आ गए हैं, नो डाउट द वायरस इज वीकेंड। ये हमेशा होता है, हर वायरस की एक उम्र होती है, उसके बाद वो अपने आप ही वीकन हो जाता है। और दूसरा, हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारी तकरीबन 200 करोड़ यूनिट्स ऑफ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो हम समझते हैं प्रैक्टिकली हमारी 75% आबादी को दो डोज तो लग ही चुके हैं। बाकी आज कल भी मैंने पता चला है कि 13 लाख यूनिट लगाए गए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको इंटेंसिफाई किया जाए। अगर हम 85-90% जनता को वैक्सीनेशन दे देंगे, एंड मत भूलिए कि हमारे 10 साल के बच्चों को अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो हमें एक हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, उसके लिए जरूरी, बहुत जरूरी है जो एडल्ट हैं, जो एलिजिबल हैं, वो वैक्सीन प्लान के लिए अवेलेबल हैं, अच्छे से अवेलेबल हैं, वो जाके अपना बूस्टर या जिस स्टेज पे रुके हुए हैं अपनी वैक्सीन लगवाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, और जिस बात का जिक्र आप दोनों ने किया कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना पर अलर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, मास्क पहनिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए, क्योंकि लगातार अब केसेस बढ़ रहे हैं, और जाहिर तौर पर सतर्कता ही आपको बचा सकती है कोरोना से, लिहाजा आप सतर्क रहिए।
इसी के साथ हर्ष पेशकश में इतना ही, नमस्कार।